नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। भागलपुर में ईद त्योहार को लेकर पिछले दो साल से कोरोना काल के बाद इस बार बाजार में रौनक आई है। पिछले दो सालों से कोरोना काल में मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े ईद के पर्व को फीका कर दिया था, लेकिन इस बार मुस्लिम समुदाय के बीच खुशियां लाकर बाजार को गुलजार कर दिया है। भागलपुर में ईद पर्व को लेकर रमजान शुरू होते ही भागलपुर रेलवे स्टेशन से लेकर तातारपुर मस्जिद तक करीब 200 से अधिक दुकानें सज धज कर तैयार हो जाती हैं, जहां विशेष रूप से कपड़े, टोपी, इत्र, कुर्ता पैजामा आदि की मांग बढ़ जाती है। वहीं ईद पर्व को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच सामान्य तौर पर सभी लोगों को टोपी, इत्र की विशेष जरूरत होती है, जिसको लेकर टोपी, इत्र की मांग ज्यादा रहती है। जबकि सबसे खास बात तो ये है कि ईद पर्व में भागलपुर के लोगों को बांग्लादेशी टोपी, इंडोनेशिया टोपी, तुर्की टोपी लोगों को ज्यादा पसंद रहती है, जिससे मांग ज्यादा हो जाती है। इसके साथ ही इत्र में बांग्लादेशी कलकत्ता इत्र, बनारसी इत्र की भी ज्यादा मांग रहती है, जो भागलपुर के तातारपुर में सभी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। वहीं इस बार जहां ईद पर्व को लेकर लोगों के बीच खुशियां हैं, वहीं दुकानदारों के बीच भी बाजार में खरीदारी को लेकर गुलजार बताया जा रहा है। कारोबारियों का कहना है कि पिछले दो सालों की कमी इस बार पूरी होने की उम्मीद है, साथ ही बिक्री का एक नया रिकॉर्ड भी तय करेगा, क्योंकि तातारपुर बाजार महिलाओं का सबसे पसंदीदा बाजार बन गया है। बड़ा खुशी लग रहा है, कस्टमर जो है काफी उत्साह से आ रहे हैं। दो साल के बाद जो ईद मनाने को मिल रहा है लॉकडाउन के बाद, तो कस्टमर में काफी उत्साह है। सारे लोग काफी खुश हैं, मार्केट में भी चहल पहल अच्छा है, बढ़िया है, मार्केट अच्छा है। कपड़े में सबसे ज्यादा डिमांड किसका है ईद पर? ऐसे तो देखा जाए तो यंग जनरेशन जो है वो तो जिंसी पसंद करता है, और कुर्ता पजामा का भी इस टाइम में अच्छा मार्केट है। क्या नाम है? हमारा नाम जिशान हुआ। और बहुत अच्छा है, दो साल के बाद हम लोग भी बैठे हैं यहाँ पे। लखनऊ चिकन हम लोग बेचते हैं, लेकिन रिस्पांस अच्छा है इस बार मार्केट का। कुर्ता पजामा भी बाहर से आता है? हाँ, बाहर का है, ये लखनऊ का आइटम है। हाँ, लखनऊ का ही आइटम हम लोग बेचते हैं। बाजार कैसा है? बाजार बहुत अच्छा है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अतरस सिद्दीकी। मार्केट जो दो साल से जो बहुत बंद नहीं के बराबर था मार्केट कोरोना काल में, अभी दो साल से बहुत अच्छा है, परिवर्तन हुआ है। दो साल से कोरोना काल ख़त्म हो गया, पहले की तरह चहल पहल शुरू हो गया है, और मार्केट बहुत अच्छा है, और भी चांदा को अच्छा होगा। कौन सा ऐसा चीज़ है बहुमूल्य खरीदारी? देखिए, टोपी में एक बांग्लादेशी टोपी है, और एक इंडोनेशिया से आती है, एक तुर्की से आती है, बांग्लादेश की टोपी और तुर्की टोपी सब नामी होती है, इंडोनेशिया की नामी होती है, हिंदुस्तान की भी टोपी है, वो सबसे बांग्लादेशी और इंडोनेशिया का ज़्यादा की मांग होती है। तो उनका कीमत क्या रहता है बांग्लादेशी में? बांग्लादेशी कीमत 400 रुपये तक की रहती है, 50 रुपये से शुरू होती है, 400 तक की रहती है। वो ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि खरीदारी करना अनिवार्य है? वो ईद में जो कुर्ता पैमा जो पहनते हैं उस अवसर पर वो टोपी भी नया ही पहनते हैं, टोपी तो पुरानी रहती है घर पर, लेकिन ईद के दिन नया ही पहनती है। तो मार्केट कैसा है बाजार? मार्केट तो ठीक है और अच्छा हो गया, और भी पहले से अच्छे है। पहले से जो चाय पर रौनक लौट आई है, दो साल के बाद रौनक आई है, लगता है कि और अच्छा ही होगा। क्या नाम है? मोहम्मद साजिक, साजिक बेकरी। है दो साल के बाद फिर से रौनक आई है, और मार्केट अभी जो है इसकी अतर की दुकानदारी जो है हम लोग की आज से शुरू हुई है, बहुत समझा ना। इसमें दूर दूर से अतर आते हैं, जैसे बनारस से, कलकत्ता से, सब जगह से आते हैं, लेकिन यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग इसको खरीदते हैं। ये आपको फीगो हो गया, ये आपको ये हो गया, सब ओरिजिनल अतर है, ये इसकी खुशबू कुछ दिन तक रहती है, ठीक है। और कीमत क्या है इसकी? कीमत 100+ है, 100 की भी है, 120 की भी है, 150 की भी है, और फिर इससे नीचे 80, 90, 100 सब तरह की है। सबसे महंगा जो इसका है कौन? जी जी, सबसे महंगा जो रहा है ये आपको है, ये आपको हो गया चौबरा, ये असील, ये सब जो है सब महंगा है, 150, 160 के रेंज का आता है। ये सब बनारस से आती है, कलकत्ता से आती है, ठीक है, और यहाँ के हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद के यहाँ बेचते हैं।
कैसा है बाजार? अभी तो ठीक है, परसों से बाजार इसकी बहुत अच्छी हो गई है और खूब लोग ले रहे हैं। इनकी ज़रूरत है, ईद में नमाज पढ़ने के जाने से पहले जो है हर लोग अपने पहनने के बाद अतर की खुशबू जरूर लगाते हैं। अतर की खुशबू बहुत सुन्नत है और ईद में बहुत ज़रूरी है, इसलिए सब लोग इसको ज़रूरत के हिसाब से लेते हैं और हर कोई लगाते हैं इसको। ठीक है, हमारा नाम शेखू भाई हुआ, शेखू भाई अतर वाले। अरविंद कुमार, ब्यूरो भागलपुर बिहार, R9 भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।